बुशरा अंसारी, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपसे लोग सीखते हैं, जो इस इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में अभी आ रहे हैं, आपको लोग देखते हैं, आप इस तरह अच्छी नहीं लगती, आप बहुत आला इंसान हैं, आप बहुत आला ज़र्फ की इंसान हैं, आप बहुत इस्लाम को फॉलो करती हैं, एक्टिंग करके, डांस करके, गाने गाते गा के, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं मान रही हूँ, मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, मैं गानों पर टिकटॉक्स बनाती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन आप इस्लाम की बात ऐसे ना करें, क्योंकि इस्लाम में अलाउ नहीं है कि आप गाने गाओ, आप डांस करो, या आपके ख़ानदान के लोग आप डांस करें अवार्ड शो पे जाकर, या आप एक्टिंग करो, इस्लाम में ये अलाउ नहीं है। मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैं बस आपको बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस्लाम इस तरह का, तो इस्लाम इस तरह का नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, जन्नत से गलती हो गई, जन्नत इस बात पे बहुत बहुत ज़्यादा उदास थी, उसने दिल से सबसे माफ़ी मांगी है, ठीक है, इधर बात ख़त्म होगी। जिन लोगों का जन्नत ने दिल दुखाया, उन सब ने जन्नत को प्यार से माफ़ किया कि कोई बात नहीं, हमें पता है, किस्सा वहाँ पे ख़त्म हो गया। आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हो, ऊपर से आप कह रही हो कि इनको इस्लाम का नहीं पता और बाकी रिलीजन्स का नहीं पता, हमें इस्लाम का, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे से पता है, हमें सब पता है, ठीक है, आप हमारे घर में नहीं रहती, आप हमारे साथ नहीं रहती कि आपको पता हो, ठीक है, लेकिन हम बड़े गुनहगार हैं, हम टिकटॉक्स बनाते हैं, हम गानों पर टिकटॉक्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आप इतनी इस्लामी हो कि आप गाने गाना, एक्टिंग करना और ड्रामास फिल्म्स में आना और अपना आप दिखाना पर्दा है ना इस्लाम में औरतों के लिए, तो आप पर्दा क्यों नहीं करती? एक्टिंग बंद करो, गाने ना गाओ, ये बंद करके घर में आप बैठो।